नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी न्यूज रिएक्शन। मेरा नाम है किक बटोस्की और हम लोग यहाँ पर करेंगे रिएक्शन। आज जिस वीडियो का हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं वो वीडियो है अनम शेख ऑफिशियल्स का, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से हमारे देश की आर्म फोर्स टर्की में फंसे हुए लोग जो भूकंप आया है उसमें किस प्रकार से उनकी मदद कर रहे हैं मिशन दोस्ती के तहत, और वहाँ के लोगों का उन्होंने दिल जीता है, वहाँ के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारी फोर्सेज को। तो इसी पर उन्होंने पाकिस्तानी आवाम की राय ली है। अब आपको तो पता ही है पाकिस्तानी आवाम इस पर क्या किस प्रकार से रिएक्शन देगी, तो उसी पर हम लोग देखेंगे और रिएक्शन देंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, दिस इज मी योनोस्टम वाचिंग माय यूट्यूब चैनल व्यूअर्स। आज एक बहुत बड़ी बात निकल रही है टर्की के अंदर से, एक स्लोगन बोला जा रहा है और वो ये है कि टर्किश वूमेन जो है वो ये कह रही है कि भाई इंडियन आर्मी ने हमारा दिल जीत लिया है और इस टाइम सबसे ज़्यादा जो मदद करने वाला मुल्क है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया है और इंडिया की जानिब से बहुत मदद की गई है। तब भी इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी के नारे लग रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इंडिया की जानिब से जो मदद की गई है वो 48 घंटे के अंदर 6 प्लेन, उसके बाद जब टर्की ने दोबारा से मदद की अपील की तो बहुत ज़्यादा मदद की गई, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बहुत 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 कम मदद की गई है। क्या रीज़न है कि एक ह्यूमैनिटी का मैसेज इंडिया ने दिया है, उसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमैनिटी के, इंडिया ने मैसेज तो दिया लेकिन यहाँ पर बोला जाता है कि जो हिंदू है वो मुस्लिम का दुश्मन है, लेकिन इस बात से जाहिर होता है कि ऐसा नहीं है। तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ, उनसे पूछते हैं क्या इस बात में कितनी सच्चाई है। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा नेम शेख जी, ये जो हिंदू मुस्लिम का प्रोपोगंडा है, दुश्मन होता है, काफिर होते हैं, ये सब ना आपके यहाँ और सिर्फ आपके यहाँ जो इस्लाम पढ़ाया जाता है, आपके यहाँ के मुसलमान लोग इस चीज़ का प्रोपोगंडा लेकर चलते हैं। बाकी पूरी दुनिया में ये सब कोई भी इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है, ना इस तरीके की लैंग्वेज में बात की जाती है। वहाँ पे हमारे देश भारत का नाम हुआ है, कोई हिंदू कोई मुसलमान बन के नहीं गया, हमारी इंडियन आर्मी गई है वहाँ पे। कोई ये नहीं कह के परचम लहरा के गया कि वो हिंदू है वो मुसलमान है तो उनकी मदद करनी, हमारी संस्कृति में ऐसा है ही नहीं। जो मुसीबत में रहेगा हम उसकी मदद करेंगे, जानवर भी मुसीबत में रहता तो हम उसकी भी मदद करते, बल्कि की है। वहाँ पे कई दबे हुए जानवर जीव मिले जिनको हमने बचाया। हम लोग नहीं देखते हैं कि अरे वो मुस्लिम उम्मा का आदमी है तो हम उसकी मदद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे आपके आम आवाम बोलते हैं ना कि हमारे भाई तो बस इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान भाई रहेंगे तो मदद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि और सब तो काफी है। आप क्या पढ़ाया ही सब जाता है, जाहिलों की सोच वहीं तक सीमित रहती है। हमारे यहाँ जाहिल नहीं है, हमारी संस्कृति में ये बताया नहीं गया है, हमारी संस्कृति में इंसानियत सबसे बड़ा है कि हिंदू मुस्लिम का दुश्मन है। अगर होता तो आज टर्की की इतनी मदद कैसे इंडिया करता। तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सवाल बेसिकली मेरा ये है कि अगर हम टर्की के ऊपर जंजले की बात करें तो आप मुझे बताइएगा, तकरीबन 2 दिन से ज़्यादा ही टाइम हो गया है, पाकिस्तान की जानिब से कितनी मदद की गई है? आई थिंक इतनी एक्सपेक्ट नहीं की गई जितनी होनी चाहिए। आपका सेम? अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ऑफिशियली अगर हम स्टेटमेंट्स देखें तो उसके मुताबिक इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा मदद की गई है। 6 प्लेन भेजे गए थे 48 घंटों के अंदर, फिर टर्की ने कहा हमें और मदद चाहिए और हमें ये सामान, ये कपड़े और मेडिसिन जिस तरह की चीज़ें हैं उन्होंने वो भी आगे से भेजने शुरू कर दी। क्या समझते हैं आज अगर हम देखें तो 6 सोल्जर्स के उनके आर्मी के जो है वो प्लेन गए थे, जिसमें से अब टर्की के अंदर से आवाज़ आ रही है और ये कहा जा रहा है, और टर्किश वुमेंस ने वहाँ पर आर्मी जो लड़कियाँ थी उनको गले लगा के बोसा भी दिया और ये कहा है कि आज इंडियन आर्मी ने दिल जीत लिया है। सबसे ज्यादा दुनिया में मदद हमें इन्होंने की है, इंडिया की तरफ से की गई है। क्या समझते हैं कि कैसा एक ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया गया है? बहुत अच्छा है, जब हेल्प आप किसी की करते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी इंडिया ने किया तो उनका बहुत अच्छी रीजनेबल बात है कि उन्होंने कुछ किया तो अप्रिशिएट उनको करना चाहिए हर मामले में। आपकी क्या राय? बिल्कुल ऐसे ही है कि बहुत अच्छा किया उन्होंने और चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में इससे भी जो सहबियत है, ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही हमारी सहबियत है, और भी हमारे इस मुल्क में ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं कि बहुत ज़्यादा रिच है माशाल्लाह, उनको भी चाहिए कि उनके साथ तआवुन करना चाहिए। अगर हम बात करें ना टर्की की तो इस टाइम जो है सबसे ज़्यादा जो प्रेस किया जा रहा है वो इंडिया को किया जा रहा है और आई थिंक सो के वो इस टाइम हक भी है रख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो हम कहते हैं कि भाई हिंदू जो है वो मुस्लिम का दुश्मन है, ऐसे ही है, और स्पेशली हम इंडिया को ये कहते हैं कि भाई इंडिया के अंदर तो है ही जुल्म हो जाती है और वो चाहते हैं कि भाई मुसलमानों को वो जुल्म ही करते रहे। क्या समझते हैं इस सारे वाक्य के बाद, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो मुस्लिम के दुश्मन है? नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। क्यों कहा जाता है? कंट्रोवर्सी है बस हमें मजहब के नाम पे ही है एक दूसरे को टारगेट करते हैं। अगर मैं बात करूँ इंडिया और पाकिस्तान की तो अगर अभी देखें तो श्रीलंका में जो बुरे हालात है, बांग्लादेश ने कर्जा मांगा, हर चीज़ पर उन्होंने सबकी अमदाद की है, सबके लिए हेल्पफुल रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी इंडिया ने मदद नहीं की, क्योंकि हमारे मीडिया में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई, क्यों नहीं की गई? हमने उनसे कुछ कहा ही नहीं, तुम कैसे करें? बिल्कुल ऐसे ही है। आपके नॉलेज के लिए एक छोटी सी बात बताती चलूं,
हम लोगों ने नहीं कहा, ये सच है, लेकिन वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर को दावा दी थी और ये भी कहा था कि भाई आओ आके थोड़े से आपसी मामलात को ट्रेड के सूरत में अच्छे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी जानिब से अनापरस्ती का मुजाहिरा किया गया और उनकी जो है ऑफर को रिजेक्ट किया गया। क्या समझते हैं कि अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो हमारे मुल्क का क्या हाल होगा, अगर हम ताल्लुक बेहतर नहीं बनाएंगे तो? अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने तो बहुत अच्छा मैसेज दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इनको ये अनापरस्ती छोड़ देनी चाहिए। जैसे ये पहले सिस्टम चल रहा था, यानी कि ये कंट्री दो होने से पहले, तो अभी अगर हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? और हम देखें बात ये देखें कि अभी कितनी हेल्प कर रहे हैं वो, ठीक है, ये हमारा इस्लामी मुल्क है ना, जहाँ पे मसला बना है तो वो सारा इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि मुसलमानों के लिए कर रहे हैं? हम लोग टर्किश पीपल के लिए कर रहे हैं। वहाँ पे चाहे मुसलमान होते, हिंदू होते, यहूदी होते, क्रिश्चियन होते, कोई भी मजहब का इंसान होता, हम लोग उसकी मदद करने जाते। आप लोगों को ये दिमाग में हमेशा क्यों बैठा जाता है कि हम लोग एंटी हैं और हम लोगों ने बहुत मदद करने के लिए मुसलमानों की मदद की है? सब लोग इंसान हैं यार, कोई एग्जिस्टेंस पे भरोसा क्यों नहीं करते आप लोग? वहाँ पर जो भी इंसान थे सब टर्किश पीपल थे, हम लोग देश को मानते हैं, मुसलमान क्या होता है? तो ये जो शरपसंद लोग हैं, ये मेरे उनसे मैसेज है कि प्लीज़ काइंडली हमें छोड़ दें और ये एक होने दें, आपकी मेहरबानी। अगर इंडिया और पाकिस्तान का एक होता, ट्रेड हर चीज बहुत ज्यादा, मतलब आपसी ताल्लुकात बेहतर होते, तो कैसा होता पाकिस्तान? ये बहुत बड़ा होता और अल्हम्दुलिल्लाह अभी है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक एक होता है और दो ग्यारह होते हैं। आपकी क्या राय, अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात आपसी बहुत अच्छे होते तो पाकिस्तान का फ्यूचर आप क्या देखते, क्या मतलब कैसा होता? अभी की निस्बत तो बहुत अच्छा होता। अगर बिलफर्ड इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा किसको, इंडिया को या पाकिस्तान? पाकिस्तान को। किस लिहाज से? इकोनॉमी के लिहाज से हमारी बेहतर हो जाएगी, जो कि अभी बहुत ही लो है, तो होना चाहिए। वैसे क्या मैसेज दोगे आप दोनों हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को जो हमें देख रहे हैं, क्या हम लोगों को अब वो सोच को पीछे छोड़ के इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए। आगे बढ़े इससे पहले बता दूं कि इन भाई साहब ने बात सही कही है, अगर ट्रेड शुरू होगा तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को ही होगा, हमें कोई खास फायदा होने नहीं वाला, क्योंकि पाकिस्तान बनाता ही क्या है, क्या प्रोड्यूस करता है, उसके यहाँ सुई से लेकर जहाज तक तो इंपोर्ट होता है, वो क्या एक्सपोर्ट करेगा? और हमें नहीं जरूरत है आपसे ट्रेड करने की, इतने साल ट्रेड करके देख ही लिया ना क्या मिला हमें, धोखा, हमेशा पीठ पीछे वार, आतंकवाद। अब देखिए ट्रेड बंद है तो काफी चीजों में शांति हो रखी है, और हमें हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है, विश्व में बहुत सारे देश हैं जहाँ पे हम अपना सामान बेच सकते हैं और आराम से हमारा काम चल सकता है, हमारे एक्सपोर्ट्स दिन पर दिन बढ़ रहे हैं और अच्छे देशों से हमारे फ्रेंडशिप है, हमें नहीं जरूरत है। आप अपना माल किसी और को बेचिए, अपना सामान कहीं और बनाइए, कहीं और बेचिए, भारत से ही क्यों ट्रेड करना है आपको? हमने मदद तो मुझे नहीं लगता की होगी, क्योंकि हम खुद इस वक्त मदद के मुस्तहिक हैं, हमारे मुल्क में जो चल रहा है ना इस वक्त, हमें खुद मदद की जरूरत है। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है जब सुना कि तुर्की में इस तरह जलजला है और बड़ा खतरनाक है। सर अगर हम बात करें इस टाइम टर्की के अंदर से एक न्यूज़ निकल रही है, बल्कि एक स्लोगन निकल रहा है और ये कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी ने हमारा दिल जीत लिया है, और इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं, इवन के वहाँ टर्किश जो वुमेन्स है वो इंडियन आर्मी जो लड़कियाँ हैं उनको बोसा दे रही हैं, गले लगा रही हैं और बहुत ज़्यादा मतलब एक अप्रिशिएट कर रही है। क्यों आपको बताती चलूँ कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इस टाइम मदद की गई है वो इंडिया की जानिब से की गई है। क्या लगता है कितना बड़ा इंडिया ने ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया है? नहीं, इंडिया एक कंट्री है लेकिन मुसलमानों के तो वो खिलाफ है, ऑलरेडी मुसलमानों की नस्ल कशी करता है, लेकिन इतनी मदद कैसे की? तो यही तो परेशानी वाली बात है कि मैं तो खुद सुन के हैरान रह गया हूँ कि इंडिया ने ऐसे मदद कैसे कर दी, अगर की है तो उनका शुक्रिया अदा करता है, मुसलमान ले वहाँ पे इंसानियत अगर कर दी है तो ये अच्छी बात है। बात करूँ मुस्लिम की ही तो आप मुझे बताइएगा कि 35 करोड़ वहाँ मुसलमान है, यहाँ 22 से 25 करोड़ मुसलमान है, यहाँ से ज्यादा इंडिया के अंदर मुसलमान है। क्या लगता है कि अगर वो इतने ही जानी दुश्मन हैं मुसलमानों के तो वहाँ से माइग्रेशन करके यहाँ क्यों नहीं आए? यहाँ से भी तो हिंदू कितने माइग्रेट करके। ये अब हर बंदे की अपनी अपनी साइकी है, ये उनकी अपनी साइकी है, हमारे जो है इस वक्त ये ना समझे कि लोग चौड़े हो जाते हैं, ये हमारे पाकिस्तानियों में ना बहुत ज्यादा ये चीजें पाई जाती हैं, बाहर के मुल्कों के साथ क्रैश करना, ना कि हमें इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसियों के साथ सलूक रखना चाहिए, ना कि मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तानी जो है आपस में सलूक रख के चले, ना कि आपस में जंग शुरू कर दें। अब इंडिया ने उनकी मदद की है, वहाँ पे भी मुसलमान है, इधर भी मुसलमान है, इंडिया ने मदद की है, हमें भी करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त हम खुद जो इस पोजिशन में नहीं है, हमारा मुल्क इस वक्त जो है वो मईशत आप देखे, महंगाई देखे, सियासी बुरहान इस देखे तो सियासत आपस में जंग लड़ी जा रही है, तो क्या करेंगे? अच्छा, एक
एक और सवाल आपसे, अगर मुझे बताइएगा कि अगर हम दो मुल्कों का, मैं आपको बताती हूँ, एक मुल्क के अंदर जो आटा है वो 150 से 200 रुपए किलो है, एक मुल्क के अंदर 30 से 35 रुपए है, एक मुल्क के अंदर प्याज टमाटर इस तरह की चीजें 250 से 300 और एक के अंदर 20 से 30 रुपए है, कौन से लोग खुशहाल हैं? खुशहाल हम ही हैं जहाँ हमें महंगाई है, यही कह सकते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में महंगाई तो नीचे आने वाली नहीं है। अब एक और नारे लगे हुए हैं, इलेक्शन कराओ, महंगाई मुकाओ, मुहिम चली हुई है, मुल्क बचाओ, ये कुछ भी नहीं होता, ये बरसों से चली जा रही है, ये अपनी अपनी साइकी है। क्या समझते हैं कि अगर हम देखें दुनिया में इस टाइम में, आपको वो चीज़ बताऊंगी जो कि आर्टिकल बेस है, ऑफिशियली स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि हमारे जो मीडिया है वो इन चीज़ों को कवर भी नहीं करता जो कि बीबीसी और इस तरह के आर्टिकल पास करते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि श्रीलंका की मदद की, बांग्लादेश की मदद की, और बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनकी मदद सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने बहुत ज़्यादा किया। क्या समझते हैं हम पे बुरे हालात हैं, इंडिया ने क्यों नहीं मदद की? इंडिया भी कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी करके माशी तौर पे फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन वो पाकिस्तान से अच्छा है इस वक्त माशी तौर पे, माशी तौर पे। क्या सिर्फ पाकिस्तान से अच्छा है? आपने अपनी औकात देखी है, अपनी इकोनॉमी देखी है? कभी भी डिफॉल्ट कर जाओगे आप? हमारे सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व ही 650 बिलियन से ज्यादा है, कोई कंपेयर ही नहीं है। कहाँ की बात कहाँ कर रहे हैं आप? हमारी कहाँ 3 point something trillion डॉलर की इकोनॉमी, आपकी 300 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी, वो भी पता नहीं अभी रहेगी कि नहीं रहेगी। आप बराबरी करोगे इंडिया की? और हर जगह क्या मुसलमान मुसलमान लगा रखा है तब से कि टर्की में मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, तो ये मुसलमान होने के नाते मदद क्यों नहीं कर लेते आप लोग? मदद मुसलमान होना, अपने घर से सारे सामान बेच बेच के पैसे भेजवा दो ना, आप लोग तो बोलते हो ना हम प्याला हमने वाला। अब क्या खत्म, अपने ऊपर आई तो बस खत्म हो गया रिलेशन सब, जैसे और कोई किसी को तो जीने का अधिकार ही नहीं, और कोई धर्म जात मजहब होता ही नहीं, बस इस्लाम इस्लाम है ना। आप लोग किसकी मदद करोगे यार? आप लोग इतने गद्दार टाइप के इंसान हो, पूरी पाकिस्तानी कौम, क्या मदद करोगे आप किसी की? टर्की ने मदद की, आप लोगों ने उल्टा उन्हीं का सामान उन्हीं को चेप दिया जो उन्होंने आपको फ्लड में दिया था। पाकिस्तान से तो बहुत बहुत ज्यादा बेहतर है माशी तौर पे, उसके अलावा दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। आप खुद देखें जो यूएसए, रशिया, अमेरिका, मतलब चाइना के बाद आ रहा है, वो मुल्क बेहतर कैसे? मेरे अंदर ये जो है ना बस अकड़ और मैं ही रह गई है, हम कोई काम करने वाले बंदे कोई नहीं है इधर के, सीधी सी बात है। 8 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी चले गए बाहर, तो बाकी भी चले जाएंगे या इधर मर जाएंगे? जो क्या लगता है फ्यूचर क्या है पाकिस्तान का? या बाहर चले जाएंगे, अगर बाहर जाने का मौका ना मिला तो इधर जलील होकर मर जाएंगे। आप कह सकती हैं कि मैं भी मुसलमानों के दुश्मन हूँ, लेकिन इंसानियत भी एक चीज़ होती है, ठीक है? तो उसमें इस तरह से है कि अगर उन्होंने हेल्प की है तो वो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो तुर्की के लोग हैं, जितनी भी आवाम है, वो पाकिस्तान के लोगों से भी उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी वो अपने तुर्किश लोगों से करते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मोहब्बत करती है। उसके अलावा जो आपने बात की कि आर्मी के लोग, वहाँ की आर्मी जो है वो इमदादी सामान वहाँ पे लेके गए हैं, तो पाकिस्तान को भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। हाँ, टर्किश जो है वो इतनी ज्यादा प्रेस कर रही है इंडियन आर्मी को क्योंकि उन्होंने जाने बचाई हैं, वो मेरे मेल जो दोनों आए थे, क्या समझते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा इंसानियत का मैसेज दिया है? देखें, उन्होंने इंसानियत का मैसेज दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो उसके अलावा पाकिस्तान भी देगा, उन्हें पूरी उम्मीद भी रहना चाहिए। हमारे हालात हैं कि हम बढ़ चढ़ कर बहुत ज्यादा मदद कर सके, जितनी हमने किया उतनी तो समझ में आती है। बात यह है कि हालात होना वो अलग बात है, लेकिन हमारी जितनी हैसियत है, जितना हम कर सकते हैं, हम उतना जरूर करेंगे उन लोगों के लिए। एक और आपसे बहुत ही संजीदा सवाल ये है कि अगर हम देखें तो श्रीलंका, अगर हम बात करें बांग्लादेश, जितने भी ममालिक इस टाइम जो मुश्किल हालात जिन पे आई थी, इंडिया ने बहुत ज़्यादा मदद किया है, लेकिन अब पाकिस्तान पे भी मुश्किल हालात है, इंडिया ने कोई हेल्प की, मतलब मदद नहीं की, कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे पाकिस्तान को लगे भाई वो मदद करेगा? देखें, बात यह है कि कुछ, मतलब मैंने कि आपको पता ही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी होती हैं, तो उसमें यह है कि इंडिया ने अगर टर्की की कोई हेल्प की है तो अब ये हमें नहीं पता कि उसने इखलाकी तौर पे की है या सियासी तौर पे की है कि उससे अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए। दुनिया में इस टाइम जितने भी मुमालिक है, जहाँ पर भी एक मतलब खरोच भी आती है तो इंडिया भागा जाता है, ऑफिशियली न्यूज आती है, लेकिन पाकिस्तान पे नहीं आया। ये इंडिया की गैर इखलाकी बात है। क्यों गैर इखलाकी? देखिए, हमने ताल्लुकात बेहतर किए, हमने तो बहुत कोशिश की है, अपना जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब के दौर में भी हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि उन लोगों से ताल्लुकात बेहतर बनाए। किस दुनिया में रहते हैं सर आप? इमरान खान ने ही हमारे देश से ट्रेड बंद किया अपने देश का, उसने ही ट्रेड को क्लोज किया, उसने ही हर सारे रिश्ते नाते तोड़े इमरान खान ने, और आपके देश से कभी भी गुडविल नहीं आई भारत के लिए, ये याद रखिएगा। सारी लड़ाइयाँ आप लोगों ने शुरू की, सारी लड़ाइयाँ आपने लड़ी हैं, आतंकवाद आप फैलाओ, और कह रहे हो आप लोगों ने दोस्ताना रिश्ते रखे, शर्म कर लिया करिए थोड़ा सा ये सब बोलने से पहले। अमन का पैगाम दें,
लेकिन हमेशा उन्हीं की तरफ से जो है वो नेगेटिव रिस्पांस आता है। मान लेते हैं आपकी बात। ये बात करने का मेरा मकसद ये था कि मैं आप पूछ सकूं कि आपको कितनी अवेयर है, पब्लिक को, आम पब्लिक को कितनी अवेयर है। अगर हम बात करें इस टाइम न्यूज़ की, तो बहुत कम न्यूज़ है जो कि सारी चीज़ें बताती है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, बीबीसी की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें वो पढ़ने से पता चल जाती है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि मुश्किल हालात आने पर इंडिया ने हमारी मदद भी करनी चाहिए थी, लेकिन हमारी ना परस्ती पर हम लोगों ने आगे से रिजेक्ट कर दिया। अगर मैं बात करूँ बिलावल भुट्टो की, तो वहाँ के फॉरन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि भाई आप हमारे पास आएँ और आके मामला को बेहतर करने की कोशिश करें, आपकी इकोनॉमी ठीक होगी ट्रेड वगैरह से, लेकिन ऐसा नहीं किया गया हमारी जानिब से। फिर किसकी गलती हुई? नहीं देखें, ये एक बात होती है कि वर्बली, ठीक है, मतलब इसका आप पंजाबी में आप ये कह सकती हैं कि लारा लगाना, ठीक है, वो सिर्फ एक वर्बली बात ही, कोई इसमें डॉक्यूमेंट्री या कोई ऑफिशियल बात नहीं थी। ऑफिशियल बात ही, लेकिन हमें बताया नहीं गया। अगर हम आर्टिकल्स पढ़ें तो ये सब कुछ हमें उनमें नजर आता है, लेकिन हमारे जो ऑफिशियल चैनल्स हैं वो नहीं दिखाते, और दिखाते हैं तो बहुत कम माइनर दिखाते हैं जिसमें हमें कुछ पता नहीं चलता। देखें इस वक्त हम मतलब यानी कि ये डिफेंड नहीं कर सकते इंडिया को कि इंडिया हमारी इकॉनमी बेहतर कर सकती है। अगर हम खुद पाकिस्तानी जितने ही आवाम हैं, हम खुद भी चाहें तो हम लोग अपने हालात खुद बेहतर कर सकते हैं। और कैसे चाह सकते हैं? हमारे ही पाकिस्तानी 8 लाख से ज्यादा बाहर चले गए, और भी बहुत से पाकिस्तानी जो डिमांड करें हमने बाहर जा रहे हैं। इन मुश्किल हालात का ठीक होने का कोई भी चांस नजर नहीं आ रहा, हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हम तो बाहर भाग रहे हैं। हाँ, ये बात भी आपकी किसी हद तक सही है कि पाकिस्तान के काफ़ी लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन और जा भी चुके हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि सब ही लोग बाहर चले गए हैं। जो लोग यहाँ पर हैं वो आप ये नहीं कह सकते कि आवाम के पास इतना पैसा नहीं है या इतना पोटेंशियल नहीं है, तो जो लोग यहाँ पर हैं वो बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी उसमें। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करके ट्रेड जारी कर लेनी चाहिए? देखें, इंडिया से ट्रेड जारी करके हमारे कोई ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। ताल्लुकात नहीं, हमारी इकोनॉमी जरूर बेहतर हो सकती। हमारी ट्रेड मतलब हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम इंडिया से ही, हम सबसे पास हमारा बॉर्डर लगता है। अगर हम देखें तो हमारी जो मेडिसिन आती है दुबई से होके आती है, टैक्सेस लगते हैं। अगर वो सीधे सीधे बॉर्डर से आए तो बहुत कम पैसे लगेंगे। देखें मेरी बात सुने, उसमें इस तरह से है कि हमारे ऑलरेडी चाइना से बेहतर ताल्लुकात हैं, रशिया से हमारे बेहतर ताल्लुकात हैं, हम चाइना से भी ट्रेड कर सकते हैं। उसमें सारी ले दे के, सारी घूम फिर के जो स्टोरी है वो आ जाती है। ये आपकी गलत फहमी है कि हमारे रशिया से ताल्लुकात बेहतर है। रशिया चाहता है हमारे साथ वॉर करना, और ये परसों की ऑफिशियली स्टेटमेंट रशिया की है। हाँ, चाइना की मैं बात करती हूँ, चाइना हमारा मुखलिस दोस्त माना जाता है और अभी तक हमारी भरपूर मदद भी कर रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट जो है वो चाइना की जानिब से भी आती है, लेकिन अभी तक मदद फिर भी हो रही है। लेकिन रशिया की आपने बात किया, तो मैं आपको बताती चलूँ कि रशिया हो गया, ये जितने भी हमारी ममालिक कंट्रीज हैं वो सब की सब इस टाइम हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहती, और ना ही अभी हैं अगर हम ऑफिशियली देखें तो। देखें असल में इस वक्त जो हमारे मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है ना, जो ये अभी कुछ अरसे पहले गवर्नमेंट के कुछ मतलब यानी कि चेंजिंग्स हुई कि पहले पीटीआई थी, उसके बाद मैं मतलब सियासी बात करना तो नहीं चाह रहा था नाम लेकर, लेकिन जिस तरह से पहले पीटीआई थी फिर ये पीडीएम आ गई, तो उसकी वजह से काफ़ी जो जितने भी हमारे हमसाए ममालिक हैं उनकी बड़ी गैर यकीनी सी सूरत हाल है पाकिस्तान पर, तो इस वजह से वो कुछ मतलब यानी कि कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं ले रहे हमारे साथ किसी भी मतलब यानी कि ट्रेड के हवाले से आप कह लें या किसी हेल्प के हवाले से कह लें। तो उसमें मेन जो बात है ना वो सारी वो है पॉलिटिक्स की, ठीक है। अगर हमारे सियासतदान जिस दिन बेहतर हो जाएंगे तो उस दिन ये मुल्क भी बेहतर हो जाएगा। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूले। कैसे के साथ मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी भी राय का इजहार कीजिएगा। मिलेंगे कल एक नई वीडियो एक नए कॉन्टेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया। सब मिला जुला के बात यह है कि पाकिस्तानियों को आज तक ये नहीं पता चला है कि उनके देश में प्रॉब्लम क्या है। सियासतदान है, हुक्मरान है, एस्टेब्लिशमेंट है, कि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम है। देखिए कोई भी देश के बर्बाद होने में सिर्फ एक चीज़ का हाथ नहीं होता, वहाँ की जनता चेप देती है हुक्मरानों पे। अरे चुनके तो आप ही लोग लाते हो ना। हाँ वो बात अलग है कि अब आप लोग ये कह सकते हो कि उसमें बहुत बड़ा हाथ एस्टेब्लिशमेंट का होता है। एक तरीके से कहा जाए तो वहाँ की आर्मी उस देश को संभाल रही है, उस आर्मी के पास एक देश है और हर देश के पास एक आर्मी होती है, ये भी एक बात कही जाती है। और जो आप लोग ये कहते रहते हो कि चीन हमारा दोस्त है, चीन आपका दोस्त नहीं है, चीन आपसे फ़ायदा कमा रहा है, चीन आपका यूज़ कर रहा है, आपके लैंड का यूज़ कर रहा है। अगर इतना ही बड़ा देश है, इतनी बड़ी दोस्ती है, आयरन ब्रदर्स कहते हैं, तो ले क्यों नहीं लेते 10-20 बिलियन दे दे, इकोनॉमी सुधार दे, कुछ कंपनियां एस्टेब्लिश कर दे, लोगों को जॉब दे दे, क्यों नहीं कर रहा है?
क्योंकि उसे भी पता है कि आपके देश में कुछ नहीं रखा, उसे भी समझ में आ गई है, इसीलिए लोग भाग रहे हैं। और इंडिया, रही इंडिया की बात, तो इंडिया और पाकिस्तान का देखिए बंटवारा 1947 में हो गया था। अब हमसे ट्रेड करके क्या फायदा, जब बंटवारा हो गया आप अपना देखिए, हम अपना देखेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।